हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्लोरोग्राफी क्या होता है, जो कि आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। आप नए नए आए होंगे तो आपको जानना है कि प्लोरोग्राफी क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, आयोनिक इक्वेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, ये कंप्लीट हम इन चीजों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लोरोग्राफी देखिए, इसका अगर इंट्रोडक्शन देखें तो प्लोरोग्राफी एक तरह का टेक्निक है जो कि हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रो डिटेक्टेबल या तो फिर इलेक्ट्रो ऑक्सीडेबल एलिमेंट के ग्रुप का यूज करके हम करते हैं। देखिए, जितने भी हम टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि वॉल्यूमेट्री, ग्रेविमेट्री, या तो फिर जितने भी हम टेक्निक यूज करते हैं, दैट मीन कि डिटेक्शन करने के लिए किसी भी कंपाउंड पर, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रो से नहीं समझ में आया तो प्लोरोग्राफी, प्लोरोग्राफी में टाइट्रेशन करवाता, अलग अलग चीजों पर, फाइनली हम ये चीज देखते हैं कि कहाँ पे कितना कंपाउंड में कितना एक्यूरेसी है, इसका क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कितना इसका प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज हम देखते हैं। एग्जांपल पे हम देख लीजिए कोई भी चीज, अगर मान लीजिए कि लोगों को कैसे आजमाना है, क्योंकि देख लेते हैं कि झूठ बोलता है कि नहीं, ये सच बोलता है कि नहीं, वक्त पे हम किसी से दोस्त से पैसा मांग के देख लेते हैं साला वो पैसा देता है कि नहीं, ये सब चीज देख के हम उसे दोस्त को आजमा सकते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कभी उसका बाइक मांग के देख लेंगे। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस का यूज करके हम अपना क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल में क्या होता है कि देखिए, इसका प्रिंसिपल यही कहता है पोलोग्राफी इज दैट द ग्रेजुअली इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द पोलराइजेबल एंड नॉन पोलराइजेबल। मतलब कि दो तरह का हम वो लेते हैं, जैसे कि ये सिमिलर है, जैसे कि अपने पोलरमेट्री में, अपने वोल्टियोमेट्री या पोलरमेट्री में ये वैसे ही है कि इसमें क्या करते हैं, दो चीजें, एक पोलराइजेबल नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसके बाद फिर करस्पॉन्डिंग जो रिकॉर्ड है, जैसे कि हम दो चीज यूज करें, एक जो पोलराइजेबल है, जैसे पोलराइजेबल के डोपे मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, दूसरा है सैचुरेटेड कैलोमीन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। इसमें फिर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करके देखते हैं कि कहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो ये देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह से रिफ्लेक्शन आ रहा है, इससे ही हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारे कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है और कौन सा इसका क्वालिटी कौन सा है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, इनसे ही हम, जैसे कि हम यहाँ देखिए इसका वोल्टेज का जो कर्व होता है ना, ये वोल्टेज का कर्व, इससे ही हम डिटेक्ट, इसका हम पता करते हैं फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। इस टेक्निक को ही हम पोलोरोग्राफी कहते हैं। इसका इंस्टोग्राम, जैसे पोलोग्राफ, इसका करंट का जो रिकॉर्ड करते हैं उसे हम पोलोरोग्राम कहते हैं। प्लोरोग्राफी इस प्रोसेस को कहते हैं और जो इसमें रिकॉर्ड होता है उसे प्लोरोग्राम कहते हैं। प्लोरोग्राफी का मेजरमेंट करने के लिए हम आइकोवी के इक्वेशन का करते हैं। देखिए, इसका इक्वेशन का देश से क्या कहता है कि लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफ्यूजन करंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रो एक्टिव स्पेसिस, जैसे कि इस वाले इक्वेशन से ही हम निकालते हैं, जैसे आईडी मतलब डिफ्यूजन, डी नंबर, टी जैसे टाइम ड्यूरेशन, इस वाले इक्वेशन का यूज करके हम अपना मेजरमेंट करते हैं। भाई एडवांटेज क्या है प्लोरोग्राफी, प्लोरोग्राफी एडवांटेज देखें तो ये है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल को एनालाइज करता है और इवन सोल थोड़ा सा कंसंट्रेशन को भी ये अच्छे से डिटेक्ट करता है और ये रैपिडली इजीली हम कर सकते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में हम इसका यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं, मिक्सर ऑफ कंपाउंड या एलिमेंट का भी एनालिसिस कर सकता है सेपरेट आउट करके। जैसे मैंने बताया कि इसमें यूज करते हैं मरकरी इलेक्ट्रोड, मरकरी इलेक्ट्रोड का देखें इसका यूज किस लिए करते हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड के लिए, क्योंकि मरकरी एक लिक्विड होता है, इसमें वर्किंग के लिए इलेक्ट्रोड को हम ड्रॉप में सस्पेंड कर देते हैं और इंड कैपिलरी तक का, इसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल पे देखें HDMDE, फिर DME, उसके बाद DSME, ये सारी चीज का हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। देखिए, मरकरी के जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मरकरी इलेक्ट्रोड इज वेरी यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग ऑक्सीडेशन बिकॉज एज इज ए टू इजी, एज ई मतलब क्या हो जाता है, कभी कभी इजिली ऑक्सीडेशन होता है और इसको कैन नॉट भी, इसको ओवर नहीं दे सकते, 4 वोल्ट से ज्यादा हम इसमें ओवर नहीं दे सकते। साथ में इसमें क्या है कि कैपिलरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसमें कैपिलेट को डिफिकल्टी हो जाता है मेंटेन करने के लिए, ये सारे हम मरकरी इलेक्ट्रोड में प्रॉब्लम आते हैं देखने के लिए हमें। मेथड ऑफ एनालिसिस, मतलब मेथड ऑफ एनालिसिस, देखिए सबसे पहले आप किस तरह है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोलराइज्ड अपर्टस कंसिस्ट करता है दो, एक डीएमई एक एसएमई जो रेफरेंस सेल है और एक पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है, उसके बाद इसमें हम वोल्टेज देते हैं इलेक्ट्रोड में 0 से लेकर 3 तक, इसमें देखे होंगे ये वाला, जैसे यहाँ से हम वोल्टेज देते हैं 0 से लेकर 3 तक देते हैं, ये कंसिस्ट करता है ग्लास का, ये बना हुआ रहता है ग्लास का और इसमें हम कैपिलरी ट्यूब को इसमें हम डिप्ड कर देते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं इसमें एडजस्ट करते हैं, जैसे ड्रॉप टाइम देखते हैं 2 से लेकर 7 सेकंड तक इसे हम सेट कर देते हैं, साथ में सपोर्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मैक्सिमम सप्रेशन होते हैं, उसके बाद फिर हम करंट को पास करवा के देखते हैं कि कहाँ होता है। जैसे कि देखिए प्लोरोग्राम में हमें डिटेक्ट करते हैं जैसे हाफ पोटेंशियल एंड डिफ्यूजन करंट, इट इज डिटरमाइंड
एंड द क्वांटिटेटिव देखिए इससे मैं हम क्या करते हैं कि पोलर ग्राफ, प्रोग्राम वो है कि जहाँ पे ये इसका ग्राफ बनता है, जैसे आपको मैंने बताया कि ये मान लीजिए तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, यहाँ से फिर हम डिटेक्ट कर लेते हैं फिर एक्चुअल से, इससे ही हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों का परफॉर्म का एनालिसिस करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ करंट इन प्लोरोग्राफी, प्लोरोग्राफी डिफरेंट, जैसे कि रेसिडियो करंट जितना बढ़ जाए, फिर मार्जिनल, फिर डिफ्यूजन, फिर आता है लिमिटिंग करंट, ये सारी चीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंटिंग प्रेजेंट होता है किसमें, प्लोरोग्राफ में। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि करंट में आपको इफेक्ट पहुंचाते हैं, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, विस्कोसिटी और कैपिलरी और प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम सप्रेशर, ये सारी चीज आपका फैक्टर डिफ्यूजन करता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में देखें तो कौन कौन से, जैसे कि डिजोल ऑक्सीजन परऑक्साइड में कहते हैं, ट्रेस अमाउंट जो जैसे मेटल उसमें कंटेनिंग ड्रग्स में उसमें हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं, फिर एंटीसेप्टिक और एंटीसाइड में करते हैं, विटामिन, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक, अल्कोहल्स और ब्लड सीरम और कैंसर डायग्नोसिस में हम इसे यूज करते हैं, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है। देखिए इसे हम छोटे भी वॉल्यूम को लेके सैंपल का रिकॉर्ड लेके, हमें बड़े सैंपल की जरूरत नहीं होती, छोटे चीज का लेके भी हम इसे एडवांटेज, यही चीज है कि छोटे भी पार्ट लेंगे तो हम इजीली इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, साथ में इसे सेपरेशन इजीली कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट का, नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट के यूज करें, और फिर ये हाई स्पीड एनालिसिस होता है। इसी के साथ आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट 5 कंप्लीट होता है। इस सब्जेक्ट में आपको बस इतना ही पढ़ना है, आप अगर इतना भी एग्जाम में लेके लिख के आते हैं तो अच्छा खासा आपको नंबर मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।